सेम एचसीएफ एलजेब्रा सारी चीजें सीख ला ये स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स सभी चीज आप ऐसे फटाफट कर सकते हो बैठक में। ओके अब देखिए अब ये जो क्वेश्चन मैंने किया है इसको हम किस तरह करना होता है फिर देखिए क्या होती है इसकी। स्टेप नंबर 32 to 99 इसमें क्या करेंगे ये जो नंबर्स है ना इसमें से 1 माइनस करेंगे हम जो भी नंबर्स होगा 1 माइनस करके लिखेंगे पहले इसको कितना आया 1 माइनस किया 31 और जो भी नंबर हमारा आया इसको 9 से माइनस करते हैं दोनों नंबर 9 में 9 माइनस 3 6 और 9 में से बन गया 8 जैसे आंसर ऐसे मैंने यहां पर किया हुआ 667 9 में 6 का 3 एंड 9 में 7 का 2 ठीक है कितना ही बड़ा नंबर हो जाए 4 5 6 7 8 इनटू 5 टाइम्स 9 ये भी कितना लगेगा फिर तो पूरा लेकिन नेक्स्ट 4 5 6 7 7 ओके 1 माइनस किया हुआ है 78 में माइनस 1 77 बाकी नंबर यही आएंगे ना अब जितने भी नंबर सभी को 9 से माइनस करते जाएंगे यहां पॉइंट लगा देंगे यहां माइनस करना यहां से माइनस करना 9 में से 4 गया 5 9 में से 5 का 4 9 में 6 का 3 7 का 2 इसी तरह कितना टाइम लगा इसमें मैक्सिमम 5 टू 6 सेकंड अगर ये मल्टीप्लाई करते कितना टाइम लगता उसको और टाइम कितना इसमें ओके एक ट्रिक और देखिए छोटी सी क्योंकि हमारे पास जिसको टाइम कर रहा है तो छोटा सा मैं आपको दे रहा हूँ डेमो ठीक है सारी चीज़ आने के बाद उसमें कैसा होता है ठीक है जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 56 × 11 इसका मल्टीप्लाई करना है तो उसमें डालना है 6 1 6 जैसे आंसर कैसे किया इसको मैंने फर्स्ट नंबर 6 ठीक है 6 में हमने 5 ऐड कर दिया इसको मैंने ऐड कर दिया 11 कैरी 1 5 से उठा लेगी 5 में 1 ऐड कर दिया 6 6 हो गया ठीक है ना ये ट्रिक्स हमारी बैठक में किया अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा तब किसको समझा रहा नहीं आ रहा इसका कोई मुझे आंसर बता सकता है 35 × 99 का क्या करना है 34 9 6 9 5 5 4 क्या आया इसका आंसर 3 4 6 एंड 9 इज बोला 5 65 3 4 6 5 ठीक है क्लियर ठीक है इसे क्वेश्चन है 34 × 23 इसका मल्टीप्लाई एक ही लाइन में करना होता है हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी मुझे एक लाइन में सॉल्व करना है पूरा सॉल्व नहीं करना होता बैठक मैथ का 3 4 12 कैरी 1 ये मैं सब बताऊंगा जब स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा क्या क्या ट्रिक होती है सब कैसे करते हैं उसको बताऊंगा 3 4 12 कैरी 1 ठीक है अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 9 17 और 18 कैरी 1 6 और 1 7 जैसे आंसर 72 क्लियर इजी है ना इसको आपको सॉल्व भी करना है ऐसे में कितने भी क्वेश्चन आएंगे 3 2 5 4 3 2 7 6 2 8 एक ही लाइन में सॉल्व करना होगा इसकी भी ट्रिक होगी जो ट्रिक इसकी है वही ट्रिक इसकी होगी ठीक है वो जब स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं इसको क्लियर चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं अब क्या होता है थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ आपको देखिए ये हमारा टूल्स है देखने में टूल्स है मगर इसके थ्रू हम लोग बहुत बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं इसके अंदर एडिशन है सब्ट्रैक्शन है मल्टीप्लाई डिवीजन सारी चीजें इसके थ्रू हम इजीली कर सकते हैं टूल्स के अंदर ठीक है ये जो बेसिकली टूल्स है हमारा जापानी टूल है इसको हम कहते हैं सोरोबल अबेकस क्या कहते हैं सोरोबल अबेकस राइट ये जो लोअर जो नंबर्स है ना ये बीट्स है इनको बीट्स कहते हैं ये हमारी लोअर बीट्स है और ऊपर वाली बीट्स हमारी अपर बीट्स है जैसे उसको पता अपर बीट्स है आपने सीखा था पहले ये अपर बीट्स हैं ये लोअर बीट्स हैं देखिए
ये नंबर है हमारे 1 2 3 4, फोर नंबर अप कर देंगे आंसर इज 4, जितना मैं अप करूंगा उतना हमारा आंसर आएगा। अपर बी से हमारा 5 नंबर है, ठीक है। अब जैसे अब ये हमारे जो बीट्स हैं, ये लोअर बीट्स हैं, तो उसके थ्रू मैं थोड़ा आइडिया देता हूं, फिर आपको पूछूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। ये 3 बीट्स हमारे लोअर बीट्स हैं, आगे वाले प्लेस पर, कौन से प्लेस पर है? 10th प्लेस। आगे वाला प्लेस हमारा कौन सा प्लेस पर? 10th प्लेस पर। फर्स्ट प्लेस 1s, 10s, 100s, ठीक है। तो यहां पर होता है ये हमारा 1s प्लेस है, यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर 10th प्लेस आएगा, फिर 100 प्लेस आएगा, फिर 1000 प्लेस आएगा, क्लियर। अब इसका आपको क्या आंसर बताया था, क्या आंसर है इसका देखिए। सबसे पहले इस रॉड पे काउंट करना स्टार्ट करें, कितने नंबर है? 1 2 3 3, एंड यहां पर अपर बीट्स इज 5 नंबर्स। अपर बीट्स हमारा क्या है? 5 नंबर है ये अपर बीट्स का, तो ये हमारा आंसर आ गया 35, ठीक है। अगर मैंने 1 बीट्स इधर ऐड कर दी अपर साइड में, क्या आंसर आता है? 85, वेरी गुड, 85 इज द राइट आंसर, 85, क्योंकि 5 अपर बीट्स 5 नंबर्स है, 5 6 7 8 and 5, 2 बीट्स मैंने इधर ऐड कर दी, आंसर इज 87 वेरी गुड, आंसर इज 87, क्यों 7 है हमारा, 5 नंबर अपर बीट्स है 5 6 7, क्लियर। एक नोट मैंने और आगे ऐड कर दिया पर, ठीक है, इधर मैंने ऐड कर दिया 2, आंसर क्या होगा हमारा? 287। लो इसको हम क्या बोलेंगे? 287। मुझे 100,000 यूज नहीं करना कहीं भी, नहीं, इसका आंसर आया 287, इसमें 100 मुझे काउंट नहीं करना कहीं भी, 100,000 नहीं बोलना है मुझे, इसका आंसर क्या आएगा? 287। अब अगर में कोई सा भी नंबर आएगा इसको क्या बोलेंगे हम? 3 2 5 6 7, क्या बोलेंगे इसको? 32567 नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोला है मुझे? 32567, क्लियर, गुड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जिस रोड इज ब्लैंक, ये रोड खाली है ना, तो क्या इसका जीरो काउंट होगा? नहीं है, रोड ब्लैंक है ना, तो 0 7 2 0, क्लियर। अब आंसर क्या होगा इसका? 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0। आप बताओ क्या आंसर? 7 3 0 7 3 0, नहीं 7 7 0 7 7 0, वेरी गुड, क्या आंसर है इसका? 7 7 0। ये चीज क्लियर होगी सभी को? यस सर, ठीक है। जब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास में, बुक में एक चीज मैं कराऊंगा आपको, इसमें क्या करते हैं, बुक्स हमारी 2 बुक्स है, बुक्स थोड़ा दिखा दे रहा हूं आपको। एक हमारी क्लास की बुक है 1A एंड 1B इज होमवर्क बुक। चाहे स्टूडेंट क्लास 1 का स्टूडेंट हो, चाहे 2 का हो, चाहे 8 क्लास का स्टूडेंट हो, 10 क्लास का स्टूडेंट हो, उसको ए से स्टार्ट करना होगा फर्स्ट लेवल से, ठीक है, क्लियर। उसको बेसिक्स ही सीखना होगा पहले। फर्स्ट पेज में क्या है इसमें? जो बताया वही है ना, इसमें बीट्स को काउंट करना है, ठीक है। सेकंड पेज में डबल डिजिट है, ट्रिपल डिजिट होगा इसमें, ठीक है। फिर इसमें बीट्स को ड्रॉ करना है, ये मैं आपको बताऊंगा जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं मेंटली इसको। हम लोग फिंगर पे कितना ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम, कितना का कैलकुलेशन कर सकते हैं? 10 तक कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते हैं, 30 तक कर सकते हैं, और
इसको बिना पेंसिल चलाए बिना कुछ करे आप लोग कर सकते हो कैलकुलेट कितना टाइम लगेगा? आप लोगों को तो लोगों ने पता है छोटे बच्चों को क्या होता है, ये हम फिंगर से मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में रखते हैं, पॉसिबल है नहीं है? नहीं पॉसिबल है क्यों? देखिए इसको कैसे करते हैं, जब स्टार्ट करो ना तब मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा, अभी मैं कर रहा हूं आपको समझ लीजिए मैंने कैसे किया, कौन सा मेरा फ्रेंड यूज किया कौन सा फ्रेंड नहीं यूज किया। जब स्टार्ट करें ना तो बेसिक से जब सीखते जाओगे फर्स्ट ग्रेड में सीखोगे तब आपको सारे कांसेप्ट क्लियर होंगे सब कैसे बिगिनर से कर सकते हैं उसको, ठीक है। पहला क्या बात 23 हमारा भी लेफ्ट हैंड होगा, हमारा होगा कौन सा प्लेस और 10 स्पेस होगा और राइट हैंड जिससे हम लिखते हैं ये हमारा 1 स्पेस होगा, ठीक है। 2 एंड 3 23 16 1 एंड 6 माइनस 24 माइनस 2 माइनस 4 आंसर इज 15 कैलकुलेट कर लो अभी आंसर आओगा 15 ये है ना। और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं 98 माइनस 72 64 ये भी इतना टाइम होगा लेफ्ट हैंड वाला 9 आगे वाला पेस कौन सा 9 है ना, मैं हल्का सा आईडिया दे रहा हूँ आपको 9 एंड 4 94 माइनस 72 माइनस 7 एंड माइनस 2 माइनस 72 एंड 64 6 एंड 4 4 का फ्रेंड 1 लेस 1 एंड 5 आंसर इज 86 लोग फास्ट भी कर सकते हो उससे आपको समझा रहा हूं इसलिए 86 ये आ रहा था एटी आ गई। देखिए यह आपका 100 पेज तक आएगा पूरा आंसर का, ठीक है। अब देख 35 3 एंड 5 35 हो गया, अब 24 बनना है 2 का फ्रेंड 3 लेस 3 एंड 5 2 एंड 4 24 फिर आपको करना है 73। अब 7 हमारा 100 पेज पर जाएगा यानी मिक्स फ्रेंड यूज करेंगे बताएंगे आपको कैसे होता है ऐड 10 ऐड 2 लेस 5 एंड 3 के लिए लेस 7 ऐड 10 आंसर इज 132। ठीक है, इस तरह हम लोग 100 प्लेस तक 1000 प्लेस तक एडिशन कर सकते हैं। तो मैं तो बता दिया ऐसे करना आपको मेकर्स, अब मैं थोड़ा आप लोगों को देख लो आप लोग कितना कर सकते हो उसको, ठीक है। मैं आपको पूछूंगा आप 6 प्लस 4 कितना होगा 6 प्लस 9 15 ओके वेरी गुड एंड 16 प्लस 9 चलिए कोई नहीं, मुझे आप 18 और 19 ऐड करके बताइए, कोई बात नहीं टाइम दीजिए आपने सीखा ना आप टाइम दीजिए 18 प्लस 19 17 18 प्लस 19 इतनी फिंगर फाइव छोटी होती बेटा ये तो सिंपल है, अगर आपने जो अबेकस नहीं सिखाया कोई बात नहीं है 18 प्लस 19 आपको पता है इसमें अगर 1 कम कर दे 18 और 18 कितना 36 बना 18 टू 36 होता है 1 प्लस का तो 37 हो गया सिंपल इतना टाइम लगता है ना। चलिए कोई बात नहीं आप 14 प्लस 18 14 प्लस 18 32 वेरी गुड। चलिए इधर वाले आ जाइए
टेबल आती है आपको क्लियर? आप मुझे बताइए